तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों टिकटॉक पे बाहुबली 2 के कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं इस टाइप का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल हो रहा है। लाइक की बात करो तो 6 लाख के आसपास लाइक भी आ चुका है। इस टॉपिक पर यदि आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो फैंस एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस टाइप का वीडियो को आपको करना क्या है, तो इस टाइप का वीडियो आपको कैसे बना सकते हैं आज के ट्यूटोरियल में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप प्ले स्टोर से कैनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं आपको मोबाइल को होम स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले आपको किस टाइप का वीडियो आपको शूट करना है। कैनमास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से हमने जो यहाँ पे वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किया था वो वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट वीडियो को ऑडियो को साइलेंट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो में साइलेंट को रिमूव कर दिया हूँ। दो पार्ट में वीडियो को शूट किया गया है। दोस्तों ये जो सेकेंड वाले पार्ट का जो वीडियो जो है एक बार में शूट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको 3 से 4 बार ट्राई कर। तो ये वीडियो किस तरह से शूट करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल थी, फर्स्ट वाले वीडियो को आप देख लेना किस टाइप के वीडियो को आपका शूट हो रखा है, और सेकेंड वाले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि जो आपका दीवार दिख रहा है, इस दीवार के ऊपर से आपको छलांग लगाना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से वीडियो को आपको शूट कर लेना है। शूट करने के बाद सिंपल थी आप देख सकते हैं वीडियो जो है दोनों से आपको हल्का सा स्लो मोशन में दिख रहा है। तो आप उस तरह से वीडियो को आपको पूरी तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर राइट साइड का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का है तो ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद जो आप पार्ट बच गया वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर स्पीड फास्ट कर देता हूँ। और दोस्तों सेकेंड वाले पार्ट को हमें, क्योंकि दोस्तों ऊँचाई से हम छलांग लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें वीडियो को स्लो मोशन कर लेना है। स्लो मोशन कर लेने के बाद तो इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के टाइमलाइन पे आपको लेके आना है। इसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे हमें दो वीडियो की ज़रूरत होगा। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें बिजली वाले इफेक्ट देना है, तो बिजली वाले वीडियो को हमें यहाँ पर लेकर आना है। और इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इससे फिर हम इस पर क्लिक कर लेना है वीडियो के लेयर पर। इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वहाँ पे हल्का आगे पीछे करके सेट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें इस वीडियो के लेयर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसे हमें साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसके बाद उसे हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमें फिर से इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद कलर एडजस्टमेंट में आना है, और दोस्तों यहाँ पर हमें हल्का सा कलर को कम कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वीडियो जो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें फिर से इसी लेयर के सामने लेकर आना है, सेकेंड वाले वीडियो के लेयर के सामने लेकर आना है। इसके बाद हमें फिर से लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से हमें मीडिया पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें फिर से हमें जो सेकेंड वाले वीडियो है वो वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा पार्ट को पहले हमें ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें सेंटर में लेकर आना है वीडियो को। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद फिर से हमें लेयर पे क्लिक करना है और वीडियो को हमें थोड़ा सा हल्का बड़ा कर लेना है, और दोस्तों साइड में सही से एडजस्ट कर लेना है, और फिर से हमें डन कर देना है। डन करने को फिर से इसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमें नीचे आना है। इसके बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओवर सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हल्का आगे पीछे करके सेट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो जो हमारा पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है। वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें फिर से वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद हमें ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस वीडियो को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है।
तो इससे हमारा आइडियो जो है बाहर आ जाता है। इसके बाद लास्ट तक हमें इसको लेकर आना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो को हमें रिमूव कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से आइडियो के पास आ गया हुआ है। इसे हम कम बेस करके एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलो मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ जो वीडियो जो हमारा किस तरह तैयार हुआ है। इसके बाद हमें किस से हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि टेक्निकल चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।